समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में ले आया गया है महाराजगंज जेल से आज पेशी में। आज पांच मामले हैं, सबसे प्रमुख मामला आगजनी का है और आगजनी मामले में 14 गवाहों की गवाही हो चुकी है। जिरह चल रही है, विवेचक से जिरह चल रही है और गवाही के बाद अब तमाम ऐसे मामले, देखिए इरफान सोलंकी कोर्ट पर पहुँचे हैं और अपने जो रिश्तेदार हैं, जो लोग हैं उनको वेव कर रहे हैं और तमाम इरफान भाई सोलंकी से सवाल पूछा गया लेकिन उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं और इरफान सोलंकी को सुरक्षा घेरे में, कड़े सुरक्षा घेरे में महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट ले आया गया है। आज पांच मामलों में उनकी पेशी है, आगजनी समेत तमाम मामले हैं। चुनाव आचार संहिता का मामला है, सरकारी कार्य में बाधा का मामला है, कुछ में गवाही हो रही है और देखिए हाथ हिलाते हुए इरफान सोलंकी और देखिए बिल्कुल इंसाफ जिंदा है और ऊपर वाला है। साफ तौर पर हमसे बात करते हुए, मुझे संबोधित करते हुए इरफान सोलंकी ने कहा कि ऊपर वाला है और इंसाफ जिंदा है। इरफान सोलंकी कोर्ट जा रहे हैं, एमपीएमएलए की लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में आज उनकी पेशी है, पांच मामलों में पेशी है और महाराजगंज जेल से लाए गए हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी को भी कोर्ट पर लाया गया है। आगजनी वाले मामले में कहा जा रहा है कि एक महीने के भीतर मुकदमे जो फैसला है वो आ सकता है, लेकिन आज कुल पाँच मामलों में इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।